नमस्कार दोस्तों, दिव्यम ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। और आज चर्चा करेंगे हम वृषभ राशि फलादेश अप्रैल 2018 के लिए। अप्रैल का 2018 का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, सबसे पहले देखेंगे। यहाँ मैंने वृषभ राशि की कुंडली ड्रॉ की है। यहाँ चंद्र है फर्स्ट हाउस में और थर्ड हाउस में राहु चल रहा है गोचर में। गुरु महाराज चल रहे हैं तुला राशि के सिक्स हाउस में और अभी गोचर में चल रहे शुक्र महाराज मीन राशि में, सूर्य महाराज भी मीन राशि में और बुध भी चल रहे हैं मीन राशि में और इनका शनि और मंगल चल रहा है अष्टम स्थान में। सबसे पहले वृषभ राशि वाले को शनि महाराज की ढैया चल रही है, इनके लिए ढाई साल का ये जो पीरियड है वो थोड़ा कसौटी कारक है। थोड़ा उनको हर एक चीज़ों में प्रोकेशन लेके चलना यहाँ शनि महाराज दिखा रहे हैं। कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस रिलेटेड है या कोई भी कुटुंब या फैमिली रिलेटेड कोई भी काम है तो उसमें 100 बार सोच के उनको काम करना जरूरी है। रुपयों पैसों से लगती चीज़ों में भी उनको थोड़ा संभल के काम करना जरूरी है। थोड़ा पार्टनर से भी वाद विवाद अभी अप्रैल महीने में होने के चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि शनि खुद मंगल की पकड़ में अष्टम स्थान में चल रहा है और इनका जो लग्नेश है वो ऊंच का है लेकिन साथ में बुध नीच का है। ये शुक्र बुध की जो युति है वो 26-3 तक यहाँ शुक्र महाराज रहने वाले हैं, फिर शुक्र महाराज चले जाएंगे 26 के बाद यहाँ मेष राशि में और बुध महाराज अकेले हो जाएंगे। तो ये जो बुध अकेले हो जाएंगे ये थोड़ा इनके लिए प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा है क्योंकि धन का स्वामी और पंचमेश नीच का होके 11th हाउस में जो भी है लेकिन प्लैनेट नीच का होता है वो नीच का फल दिखाते ही जाता है। इसलिए आपको थोड़ी रुपयों से लगती चीज़ों में, पैसों से लगती चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी से काम करना चाहिए और थोड़ा पढ़ाई लिखाई में जो भी व्यक्ति पर्सन है जो स्टूडेंट वगैरह उनको भी थोड़ा प्रिकॉशन लेके पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि अभी इनका थोड़ा पढ़ाई में भी वीकनेस दिख रही है, उनका जो माइंड है वो इतना कॉन्शियस नहीं है। इसके लिए शुक्र यहाँ मेष राशि में यहाँ चला जाएगा और यहाँ थोड़ा 18-4 से शनि महाराज भी वक्री हो रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए ये एक थोड़ा अलग प्रिकॉशन के लिए बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ शनि जब भी वक्री होंगे तो इनको शनि की ढैया का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा खराब दिख रहा है। इसलिए थोड़ा शनि का लगते प्रिकॉशन उनको करना जरूरी है, शनि से लगते उपायों का इनका आगे प्रिकॉशन लेना जरूरी हो जाता है। और मंगल भी यहाँ अष्टम स्थान में, मंगल अष्टम स्थान में यहाँ इनका अच्छा नहीं गिना गया है क्योंकि वो सप्तमी इसका भी कारक है और 12th हाउस का भी लॉर्ड होके वो अष्टम स्थान में चल रहा है। इसलिए जब तक यहाँ मंगल बैठा है वो इनके लिए थोड़ा हानिकारक है। यहाँ 2-5 तक मंगल यहाँ बैठेगा और फिर यहाँ शुक्र मेष राशि में जाएंगे तब थोड़ी उनको शांति राहत होगी। फिर भी बुध यहाँ नीच का रहेगा, वो तो पूरा समझो कि मई महीने तक यहाँ बैठा रहने वाला है बुध महाराज, तब तक इनको थोड़ा प्रिकॉशन लेके काम करना जरूरी है। ओवरऑल देखने जाएंगे तो अभी अप्रैल का महीना इनके लिए इतना अच्छा नहीं गिना जाएगा, फिर भी धन का आगमन इनके यहाँ होता रहेगा, पैसे वगैरह की इतनी इनको दिक्कत नहीं आएगी लेकिन रुपयों से लगती चीज़ों में इनको थोड़ा सावधानी से सावचेती से काम करना जरूरी हो जाता है। इसलिए आगे और भी ऐसे वीडियो में लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।